हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पूनम स्वागत करती हूं दीदी की रेसिपी में। तो मैं फिर से एक बार चटपटा सा नाश्ता लेके आ गई हूं, जो क्रिस्पी सा और मज़ेदार, जो बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट कर लें। फ्रेंड्स, आटे से मैं कुरकुरा नाश्ता बनाने वाली हूं, तो जिसके लिए मैंने एक कप आटा लिया है। दो चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी, फिर इस आटे का मालिश कर लेंगे हम अच्छे से, यानी कि इसमें अच्छे से मल देंगे पहले आटे को। लीजिए मैं कैसे मल रही हूँ। सबसे पहले इसे ऐसे मल लेना है आटे को, तेल डाल के। इस तरह से हम आटे को मल लेंगे ना, तो ये आटा बहुत ही क्रिस्पी सा इसका नाश्ता बनता है। देख लीजिए इसका टेक्सचर सही हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सारे, अब हम इसमें सारा इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इधर मैंने आधा छोटा चम्मच इसमें मंगरेल डाला है, यानी कि करौंजी डाला है। छोटा चम्मच में चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, यानी कुटी हुई मिर्च। आधा छोटा चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल ले रही हूँ मैं, ये भी डाल देना है हमें। और यही भी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। आधा छोटा चम्मच में चाट मसाला डाल रही हूँ, आमचूर पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा। यहीं पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से अब मिला लेंगे। इसका डो तैयार करना है, या फिर डो हमें कड़क करना है जैसे कि पूड़ी बनाते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे गूंथ ले रही हूँ। इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है ये। तो आटा गूंथने के बाद मैं बस इसे 5 मिनट के लिए रखूंगी, क्योंकि सो फ्रेंड्स आटा तैयार हो गया है। तो अभी इसे फटाफट बेल लेते हैं। तो चलिए इसे कितने काट लेते हैं। तो मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। चार हो गया। तो क्या करना है हमें, हम रोटी जैसे बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है इसे। हमें इसे रोटी का आकार का बना लेना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। रोटी से हमें मोटा ही रखना है, तो इसे मैं बेल ले रही हूँ। अब क्या करना है, मैंने इसकी मदद इतनी रखी है। मैंने यहाँ पे एक नाइफ ले लिया है और इसमें ऐसे छेद कर ले रही हूँ। आप फोर्क की भी मदद ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, छेद बना लिया है, तो अब हम क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास लिया, तो ग्लास से मैं गोल गोल कट कर कुछ इस तरह से। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, साथ ही बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी पापड़ों को मैंने बेल लिया है। तो चलिए, सिर्फ कढ़ाई में मैंने मीडियम फ्लेम पे ये तेल गरम कर लिया है, और फिर मैं इसे डालते समय गैस को फिर से मीडियम कर दी हूँ। गरम तेल में नहीं फ्राई करना इसे, नहीं तो ये क्रंची नहीं बनेंगे। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये झटपट सा नाश्ता रेडी होने वाला है। तो ये देखिए कैसे सिक रहा है। अब मैं एक एक करके पलट ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पापड़ी तैयार हो गई है। तो देखिए, मैंने सुनहरा होने तक पका लिया था इसे। तो इसे मैं पेपर से निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं बाकी के भी तल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पापड़ी तैयार हो गई आटे की। अब मैं इसे फोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए क्रिस्पी, सुन रहे हैं ना कितना क्रंची हुआ ये। तो फ्रेंड्स, ये आटे की क्रिस्पी से रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप बच्चों को खिलाइए, बहुत मजा आएगा। आप चाहे तो ऐसे ही खाएं, या फिर इसे दही के साथ अच्छे से सजा के। इस तरह से दही इस पे गिरा दे रही हूँ। टमाटो केचप
है और साथ ही में ये मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। डिलीशियस लगता है ये भी एकदम चटपटा सा नाश्ता। और साथ ही साथ में इसमें तो यहीं पे मैं चाट मसाला डाल दे रही हूँ। वाह क्या लग रहा है, अब इसे खा के देखेंगे ना मजा ही आ जाएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स जिसे दही नहीं पसंद है तो इसे मैं ग्रीन चिली सॉस से ऐसे डाल दे रही हूँ, इससे भी बस चाट मसाला डाल दे। ऐसे ही खाने में बहुत मजा आएगा। तो मैंने दो तरीके से इसे सजा दिया, आपको जैसा पसंद है वैसा सजा के खाएं। और ये बिना सजाए भी बहुत डिलीशियस लगता है। तो अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। बहुत ही टेस्टी।